सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, IPL 2024 से पहले जो ट्रेड विंडो है वो चालू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ऑक्शन से पहले पहले अगर कोई टीम्स चाहती है कि ये प्लेयर उधर आ जाए, वो प्लेयर इधर आ जाए, मतलब कोई दो टीम्स म्यूचुअली डिसाइड करती है कि अगर कोई प्लेयर्स को हमको एक्सचेंज करना है या कोई प्लेयर ट्रेड करना है, तो पॉसिबली वो हो सकता है। और इसी ट्रेड विंडो से एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है नितेश राणा के ऊपर। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स से पूछा है कि क्या वो यहाँ पर नितेश राणा को ट्रेड करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है मेरे पास कि उन्होंने लाइक नितेश राणा के बदले में लखनऊ सुपर जायंट्स कोई कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेयर ऑफर कर रही थी या फिर सिर्फ पैसों में ये ट्रेड होने वाला था। इसके ऊपर कोई अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आई है, बट ये न्यूज़ बहुत सोर्सेस से कन्फर्म निकल कर आ रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ पर नितेश राणा को एज अ ट्रेड प्लेयर मांगा है। बट मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट देना चाहता हूँ कि ये ट्रेड नहीं हो रहा है। 99% ये कन्फर्म्ड है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के इस ऑफर को डिनाय कर दिया है और ये ट्रेड नहीं होने वाली। अब आप भाई बोलोगे कि अगर ये ट्रेड हो ही नहीं रही है तो वीडियो बना के व्यूज क्यों खा रहा है, तो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ। अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्होंने नितेश राणा को क्यों मांगा है एज ए ट्रेड प्लेयर, उन्होंने इसलिए मांगा है क्योंकि पिछले साल जब केएल राहुल उनके लिए इंजर्ड हो गए थे तो टॉप फोर में आपके पास कोई इंडियन बैट्समैन उतना अच्छा निकल कर नहीं आ रहा था। इन्होंने मनन बोहरा को ट्राई किया, इन्होंने प्रेरक मनकड़ को ट्राई किया, दीपक हुडा भी ओपन कर रहे थे, आयुष बदोनी को भी इन्होंने टॉप फोर में ट्राई किया था, करण शर्मा भी वहां पर मौजूद है बैट्समैन के रूप में, और कृणाल पंड्या को भी इन्होंने ट्राई किया था, बट कोई भी ऐसा प्लेयर उतना अच्छा निकल कर नहीं आ रहा था। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि उनको टॉप फोर में एक और एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर चाहिए जो हमारा मिडिल ऑर्डर और स्टेबिलाइज कर दे, या इन फ्यूचर अगर केएल राहुल और कहीं इंजर्ड होते हैं या आपके पास क्विंटन डिकॉक इंजर्ड हो जाते हैं या काइल मेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास एक इंडियन बैकअप ओपनर अच्छा होना चाहिए। तो पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल सही था लखनऊ सुपर जायंट्स का कि नितेश राणा अगर आते तो वो नंबर तीन पे बहुत अच्छे से फिट हो पाते। तो ये ट्रेड तो वैसे नहीं हो रही है, बट मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पॉसिबली हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और प्लेयर्स को ढूंढेगी, जो बाकी बची हुई 9 टीम्स हैं उन 9 ही टीम्स के प्लेयर्स को एनालाइज करने वाली है और देखने वाली है कि कौन से प्लेयर को मौके नहीं मिले और वो प्लेयर को ट्रेड कर सकती है। अब ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पॉसिबली एक आइडियली अच्छा प्लेयर कौन सा हो सकता है ट्रेड इन करने के लिए, अपनी टीम में लाने के लिए। अब मेरी तरफ से आज की यही शॉर्ट एंड स्वीट में छोटी सी आपको वीडियो बना के बतानी थी कि आगे जो ट्रेड विंडो अभी खुली हुई है वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आप कुछ अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपनी टीम में थोड़ा बहुत उलटफेर करे ऑक्शन आने से पहले ही। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।